आई मम्मी जी पापा जी बचा लो, आई जल्दी से पलंग के नीचे छुप जाओ, आई ग्रानी छोड़ दे, अगर लगता है उसने देख लिया तो बैंड बज जाएगी। दोस्तों ये क्या भैया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग का वेलकम हो गया आज की दमदार ग्रैनी रिमेक की वीडियो में। और ये भैया डीवी लोपर की तरफ से ऑफिशियल गेम है। और क्या बात कर रहा है मुन्ना, डीवी लोपर ने यह गेम बनाई है, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें तो ग्रैनी आएगी ना असली वाली। अरे यार भैया, ग्रैनी पहले से भी ज्यादा ताकतवर और भैया बूढ़ी हो चुकी है। आए बूढ़ी हो चुकी है साथ में ताकतवर भी। क्या बात कर रहा है मुन्ना, वो तो उसको देख लेंगे, चल ठीक है। अरे बाबरी, हम लोग कहाँ आ गए, जंगलों के बीच मुन्ना। और ये क्या मुन्ना, उसके तो ग्राफिक देख कितने कमाल गए, शानदार है मुन्ना, एकदम रियलिटी वाली शो आ रही है। ओ आ गया, मैं भी आ गया। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है वैसे जंगलों में, फिर मैं तुम्हारे पीछे 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 आ चुका हूँ। वो क्या सामने लाइट जल रही है, कई ग्रानी पीछे से तो अटैक नहीं करेगी ना हर बार की तरह। ठक ठक, आए बिल्कुल हो सकता है, मगर करना क्या है हमें। अरे यार भैया, जंगल में वहाँ पर सामने घर दिख रहा है ना, तो उसी के अंदर आज की रात भैया काटने वाले क्या भैया। आए मुन्ना ये क्या, तू तो अपने कैमरे से जूम क्यों कर रहा है वहाँ पर, कोई तो होगा मुन्ना वहाँ पर। अरे यार कौन है भैया, कौन है, मुझे लगता है भैया ग्रानी है, ग्रानी आ गई। आइए क्या, ग्रानी ने मार दिया मुन्ना। अरे यार बापरे दोस्तों, हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं, लगता है ग्रानी ने फिर से हमें किडनैप कर दिया है। अरे बापरे, इस बार में ग्रानी का घर तो देख मुन्ना कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अरे हाँ भैया, ये देखो, ये तो वही पलंग है ना जो भैया ग्रानी चैप्टर 1 में हुआ करता था। और इस बार में ग्रानी और भी ज्यादा पैसे वाली हो चुकी है, लगता है मुन्ना उसने हमें फैन भी ला दिया है जिससे हमें गर्मी ना लगे। दोस्तों कितना मजा आ रहा है, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी हवा खाने का मजा ही कुछ और होता है भैया। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अरे बाप रे देख ना मुन्ना, बाहर तो बर्फ का गोला पड़ रहा है गोला। अरे लगता है भैया विंटर आ चुका है, ये विंटर वाली मौसम में हम लोग आ चुके हैं ग्रैनी के हाउस में। पर पता नहीं भैया फैन यहाँ पर एक्टिव कैसे हो गया, यहाँ पर तो जंगल में लाइट कैसे आ सकती है दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो सब छोड़ मुन्ना, यहाँ पर देख कितनी सारी सामान है, ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है रूम। हाँ भैया बिल्कुल सही बोला आपने, इसको हमने यहाँ से खोला। और ये देखो भैया पेंटिंग और नीचे गिराया। ए ग्रानी आ जा जल्दी से, पहली मुलाकात में ग्रानी में मिलने का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। ये देखो हमें आते ही भैया क्या मिला, आई फ्यूल कैन मिल गया। फ्यूल कैन मत बोलो उसको, उसको बोलो गैसोलीन। ठक ठक, और ठीक है बच्चों, ठीक है गैसोलीन बोलूंगा। आई मुन्ना यहाँ पर बहुत सारी आवाज तो कर दी हमने, मगर ये ग्रानी आती क्यों नहीं, पता नहीं ये बैरी ग्रानी मुन्ना बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उसके कान भी बूढ़े हो चुके हैं दोस्तों। भैया सही बोला आपने, अरे भैया यहाँ पर गैरेज का दरवाजा था ना, आई ये क्या मुन्ना, ये तो पूरा का पूरा मैप भी चेंज हो चुका है, अब तो लगता है ये पूरी पूरी गेम चेंज हो चुकी है। अरे बाप रे ये कहाँ गए हम लोग, और ये तो भूल भुलैया है। और यहाँ पर ग्रानी ने बहुत सारे कांटे भी बिछा रखे हैं मुन्ना। आ गई ग्रानी, भैया भागो। ये क्या आ गया, अरे बाप रे भैया आप कहाँ जाएंगे, अब लोग के सामने ग्रानी आ चुकी है, वो भी कितनी खतरनाक क्रीपी ग्रानी है। वरना टेंशन मत ले मेरे भाई, हम लोग छुप चुके हैं। ये क्या भैया, हम तो छुप चुके थे ना, ये तो हमारी चटनी बना गई। दोस्तों फाइनली हमारा डे 2 शुरू हो चुका है। अरे मुन्ना कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, उसके सामने छुपकर बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे, मगर यहाँ पर नीचे जाना है। अरे कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, अरे बाप रे ये सीमेंट का पूरा का पूरा दरवाजा बना दिया, अब क्या करेंगे मुन्ना। अरे यार भैया जाने का रास्ता कहाँ होगा, ये क्या भैया यहाँ पर तो कुछ पत्थर है, क्या दोस्त हम लोग पत्थरों से ये दरवाजा तोड़ सकते हैं क्या। आए नहीं मुन्ना पागल है क्या तू, ये सीमेंट का दरवाजा वो भी इस पत्थर से कैसे तोड़ सकता है तू, फिर भी हम लोग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, क्या पता दरवाजा खुल जाए दोस्तों। अरे यहाँ पर कोई तो सामान होगी, कोई तो दरवाजा होगा बाहर निकलने का दोस्तों। ओह मिल गया दरवाजा मिल गया, ये देखो यहाँ पर तो एक सीक्रेट वाला, ये देखो प्लैंक निकलने के बाद में दरवाजा खुल गया ठाकुर के। अरे यार ये क्या दोस्तों, ये तो सीक्रेट वाला सुरंग है, इसके अंदर चलो भैया चलो चलो, आए चल रहा हो तेरे पीछे पीछे। अरे बाप रे अच्छा हो हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए, मुझे तो डर लग रहा था मुन्ना कहीं हम तो यहाँ पर फंस ही नहीं गए ना। अरे भैया ये देखो आपने ये क्या कर दिया, आए यहाँ पर मैंने आवाज कर दी, अब ग्रानी बुढ़िया आएगी। अरे बाप रे ये क्या,
भागो यहाँ से, ठाकुर की करने के लिए ग्रानी आ गई। ग्रानी अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर छुप जाए क्या? आज पिछली बार में तो पकड़ लिया था, इस बार में नहीं पकड़ पाएगी बुढ़िया। आए मुन्ना उसकी आंख है देख, उसका मुंह देख, कितना ज्यादा खतरनाक पहले से भी हो चुका है। पहली तो मुन्ना ग्रानी बहुत ज्यादा सुंदर थी, अब तो मुन्ना कुछ और ही ज्यादा खतरनाक कर चुके हैं लोग। अरे हाँ भैया सही बोला आपने, ये ग्रानी का मुंह भैया मुझे सपने में डरा देगा। आए क्या सपने में डरा देगा, तू भी कितना नल्ला है मुन्ना। अरे यार मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं भैया बात कर रहा था दोस्तों, क्या आपको ये ग्रानी डरावनी लगती है क्या? आए क्या फिर से आ गई, उसका नाम लिया। आए इस मनुष्य ग्रानी का नाम बदले मेरे सामने मुन्ना, आग लग जाती है दिल में, आग लग जाती है। अच्छा भैया आपको आग लगती है, मुझे डर लगता है, क्या करूं? आए करने का कुछ नहीं, बस यहाँ से फटाफट से भागने का, इसको खोलो। अरे बाप रे ये क्या, इसके अंदर तो खोलने से पहले ये बुढ़िया आ गई, कितनी ज्यादा फास्ट फास्ट भाग रही है। आए दोस्तों वैसे मारना पड़ेगा, आज डीवी लोपर टीम ने क्या गेम बनाई है ग्रानी की, मजा ही आ गया। आज काफी ज्यादा ये तो डरावनी है मुन्ना, पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ भैया, और ऊपर से दोस्तों इन लोगों ने ग्राफिक में भी बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए। पर मुझे तो बहुत ज्यादा डरावनी ग्रानी लगती है। वो सब तो ठीक है, ग्राफिक तो अच्छे बना दिए, मगर ग्रानी का मुँह तो सही बनाना चाहिए था ना, 10 रुपये वाला मुँह बना दिया दोस्तों। 10 रुपये वाला नहीं, ये खतरनाक वाली ग्रानी है, अगर एक बार में तो उसके हाथों में पकड़ा गया ना, ये तरह चूरमा बना डालती है मुन्ना। अभी तो उसके हाथों में हम एक ही बार आ चुके हैं। अरे यार नहीं, हम लोग भैया 2 बार मर चुके हैं क्या दोस्तों? मुझे तो याद ही नहीं रहा कितने बार हम लोग यहाँ पर मर चुके हैं। टेंशन मत लिया तू, वो तो हम लोग देख लेंगे। अरे बाप रे यहाँ पर घंटी भी लटका रखी है, लगता है इसकी आवाज आएगी ना, ये भागती हुई आएगी। आए चलो दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर सुरंग है ना मुन्ना? अरे भैया सुरंग है, और ये देखो भैया टायर मिल गया, टायर को उठा लो। आए उठा लिया टायर, मगर ये क्या टायर की काफी जाती है, मेरी बैंड बज गई। भैया आपकी बैंड बज गई, ग्रैनी ने फुंगी बजा दी, डे 3 शुरू हो चुका है। और गाइस हम लोग आ चुके हैं कैच के अंदर, और पिछली बार तो हमने वहाँ से दरवाजा खोज लिया था, अब कहाँ से निकलेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई तो जुगाड़ करना होगा, इस कैच से कैसे निकला जाए। अरे हाँ मुन्ना याद आया, आइसक्रीम में हमने इसको खोला था। अरे यार दो दूसरी गेम थी, ये भी दूसरी गेम है। अरे यहाँ पर क्या है दोस्तों, पाइप एक टूटा हुआ है, क्या पता भैया यहाँ से रास्ता मिल जाए। और ये देखो भैया रास्ता हो रहा है, लगता है कुछ तो हो रहा है, वेट करना होगा। आराम आराम से झोलक हिस्सा। आए ठीक है बच्चू यहाँ से रास्ता। अरे बाप रे ये तो अभी मोड़ा देखा तूने मुन्ना? अरे भैया मैंने देखा, इसको लगता है आराम आराम से हमें तोड़ना होगा, उसके बाद में ये निकल जाएगा। आए निकल गया, इसको उठा लेता हूँ जल्दी से, और इसकी मदद से सामने वाली स्विच को दबाऊंगा, इसकी मदद से बटन ओपन हो जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। ये देख बाप रे मजा आ गया दोस्तों, हमने बटन को दबाया और यहाँ से गैस से बाहर निकल गए। ग्रानी हमें क्या समझती है, एक नंबर की नल्ली है भैया। आए क्या नल्ली है, तू भी नल्ला है ना मुन्ना? भैया चुप करो यार, पागलों जैसी बातें मत करो। यहाँ पर किसी को लगता है भैया उसने ठपकाया है, यहाँ पर किसी का खून पड़ा है दोस्तों। और ये रही हमारी टॉर्च, इसको जल्दी से उठा लेता हूँ भैया। आए सही बोला तूने, इसके बिना तो रात में कुछ अंधेरे में दिखता ही नहीं है। और ये पाइप देख रहा है मुन्ना, यहाँ से कोई अंदर आ सकता है। अरे भैया यहाँ पर देखो खून से लालम लाल हो चुका है, और देखो दोस्तों नीचे की साइड में हमने आवाज कर दी है। यहाँ पर बहुत सारे भैया क्या क्या रखा है उन देखो ना, पैर में भैया लगने से आवाज होती है, और आवाज सुनने के बाद में घरानी आ जाती है। सही बोला तूने, और फिर से हम लोग यहाँ पर भूल भुलैया में आ चुके हैं, और यहाँ पर तो कितने सारे रास्ते हैं। आए लगता है मुन्ना यहाँ से कुछ ना कुछ सामान मिल जाएगी। अरे हाँ भैया सही बोला आपने, यहाँ पर बहुत सारे लॉकर है, लॉकर को खोलेंगे। यहाँ पर 3 लॉकर है, खोलता हूँ। अरे बाप रे भैया हैंडल मिला, आए मुन्ना हैंडल मिला, ये तो लगता है उस कुएं में लगेगा, और जहाँ से हमें पिछली बार की तरह हैमर मिलेगा। अरे बाप रे क्या बात है भैया, यानी कि हमने जो ग्रानी 1 में खेला था बिल्कुल उसी तरीके से हमें हैंडल को कुएं में लगाना है, और उसके बाद में बाप रे ये क्या कांटे में फंस गए, निकालो यहाँ से, नहीं तो ग्रानी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आए सही बोला तूने, यहाँ पर अभी तो ग्रानी नहीं आ रही है, तो पता नहीं मुन्ना कहाँ से आएगी बुढ़िया कहेगी, मुझे डर लग रहा है दोस्तों। ये क्या, ये किसका खून है भैया? आए तेरा खून है और किसका होगा? अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा खून? आओ तेरा नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं, यहाँ पर दूसरा बंदा जो खेलने आया होगा ना उसी का ये खून होने वाला दोस्तों। आए सही बोला तूने, वरना ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? अरे बाप रे भाग गया मैं, बाल बाल बच गया दोस्तों, कहाँ से
से बचा, मैं कहाँ से बचा। अचानक से ये बुढ़िया आ जाती है, मुझे को डरा देती है मुन्ना। अरे यार भैया, थोड़ा सा भी उधर उधर देख लिया होता ना तो भैया आपके तो लेने के धने हो जाते। आज सही बोला तूने। आए चलो दोस्तों, फाइनली हमें जल्दी से जाना होगा कुएं के अंदर। क्या बात कर रहे हो भैया, कुएं के अंदर जाओगे क्या? आए पागल, कुएं के अंदर नहीं, यहाँ पर हैंडल लगाने की बात कर रहा हूँ। लग जाए हैंडल, और इसको मैंने घुमा दिया, अब मुझे मिलेगा यहाँ से हैमर। ये देखो हैमर मिल गया दोस्तों। आए चलो हैमर को लेके फटाफट से दरवाजे के अंदर जाते हैं। अरे दरवाजे के अंदर नहीं, दरवाजे को तोड़ना है भैया। आए सही बोला, उसके लिए फटाफट से मुझे ग्रैनी को बुलाना होगा। आए ग्रानी तभी आएगी जब यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ होगी। आए आवाज़ तो मैंने यहाँ पर कर दी है, मगर लगता है उसकी आवाज़ यहाँ पर उसको सुनाई नहीं देगी, बुढ़िया कही की। अरे दोस्त सही बोला भैया ने, यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ कर देते, लकड़ी में आवाज़ हो जाएगी और हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे सुरंग के अंदर से। ये लो भैया सुरंग से हम लोग जा रहे हैं, लगता है ग्रानी इसी साइड में आने वाली है। तो चलो दोस्तों फटाफट से अपन लोग जाएंगे दरवाजे में और वहाँ पर दरवाजे का प्लैंक को तोड़ने वाले। तो फटाफट से चलो भैया, आए चलते हैं मुन्ना, यहाँ से ऊपर चलता हो। और लगता है ग्रानी भी नहीं है, और मजा आएगा। अरे भैया, अरे बाप रे, ये क्या नल्ली ग्रानी आ गई, भागो। आ ये कहाँ से आ गई नल्ली कहेगी। अरे बाप रे, अभी अभी तो मैंने बोला था ना मुन्ना उस साइड में जाएगी, अचानक से यहाँ पर आ गई, मुझे डर लगने लगा है, अब तो मैं क्या करूँ। आओ जग, डरने का नहीं, डर के आगे जीत होती है, तो डर गया समझो वो मर गया। आओ। अरे यार सही बोला बाप तूने, डायलॉग तो काफी अच्छा मार लेते हो, काम भी थोड़ा बहुत किया करो ना। और ये नल्ला मुन्ना हमें सब पागल ही बना रहता है। आए चलो दोस्तों दरवाजे के पास जाता हूँ और प्लैंक को तोड़ता हूँ। ये निकल गया प्लैंक और ये भी निकल गया। अरे बाप रे, बाल बाल बच गया, कितनी अच्छी टाइमिंग है मेरी, देख रहा है तू। अरे अब ये देख रहा हूँ मैं, कितना मजा आ रहा है दोस्तों, दोनों प्लैंक को हमने निकाल दिया है। अब हमारा थोड़ा बहुत तो काम हो चुका होगा, अब अपन लोगों को फटाफट से भैया चाबी को फाइंड करना होगा। आए चाबी कहाँ से लाएंगे आप लोग हम। आए दोस्तों हमें तरबूज को फाइंड करना होगा, लगता है दूसरी चाबी हमें उसी के अंदर से मिलने वाली है। इसको खोलो, आए फटाफट से पलंग के नीचे छुप जाता हूँ, ग्रानी नहीं देख पाएगी। अरे अब ये सही बोला आपने, ये ग्रानी बुढ़िया बहुत ज़्यादा खतरनाक है भैया, अगर उसने उसके सामने आते आते हम छुप गए ना तो ये तुरंत पकड़ लेती है और ऐसा भैया जंप स्क्वायर देती है ना कि भैया मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। आए मुझे तो मुन्ना रात में उसका सपना आता है, आए उसका मुंह देख रहा है ना, कितना सड़ा हुआ मुँह है उसका। अरे भैया सही बोला आपने, यहाँ पर मैंने पेंटिंग को गिराया और यहाँ पर देखता हूँ ड्रॉवर के अंदर क्या है, फुलजा सिंह सिंह भैया। ये क्या हो गया, ग्रानी ने फिर से पकड़ा और डे फोर शुरू हो चुका है गाइस। अब अपन लोगों को कुछ भी करके यहाँ से फटाफट से चाबी को निकालना होगा, कहीं फाइन करना होगा। अरे मुन्ना तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है ना तब तक यहाँ से निकल के रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। और ये कौन सा रास्ता जा रहा है नीचे। अरे यार पहले उससे पहले यहाँ पर देख लेते, कोई तो नहीं है यहाँ पर। लगता है भैया हमें उसी रास्ते से नीचे जाना होगा और नीचे पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं दोस्तों नीचे जाते फिर से। आ ये क्या मुन्ना, ये तो वही जगह आ गई भूल भुलैया वाली। अरे यार भैया ये तो वही जगह है जहाँ से हम बाहर निकले थे, देखो ना दोस्तों और सामने है भूल भुलैया वाला रास्ता। तो चलो दोस्तों अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। आए बिल्कुल सही बोला तूने, अंदर जाएंगे और अंदर सामान फाइंड करेंगे, क्या पता मुन्ना कैच लॉकर के अंदर से हमें बहुत सारी की मिल जाए। अरे यार बहुत सारी तो नहीं भैया, एक मिल जाए तो काफ़ी है यार। हमें दोस्तों की फाइंड करनी है, इसको खोलता हूँ कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पर देखते हैं और क्यों से, अरे यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको खोलता हूँ कुछ भी नहीं है। आए तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है। आओ जग, सब्र का फल मीठा होता है, यह तो सुना है ना तुमने। आए सुना तो है। अरे बाप रे, सब्र का फल मिल गया, अरे ग्रानी छोड़ दे बुढ़िया कहेगी। ये क्या दोस्तों फिर से पकड़ा, इसका मतलब ये लास्ट डे 5 है हमारा। अगर इस बार में भी हम मर गए ना भैया तो समझ लेना गेम प्ले और हो जाएगी। और ये ग्रानी हमारे साथ में पता नहीं लास्ट सीन में क्या करने वाली है, और वो लास्ट दिन में आने नहीं दूंगा। आए क्यों क्या मरना, इस बार में यहाँ से निकलने की प्रॉपर तैयारी कर दी है मैंने। भैया क्या तैयारी करी है आपने, आप भैया बार बार मरे जा रहे हो ग्रानी के हाथों से और बोल रहे हो तैयारी करी है, क्या मरने की तैयारी करी है, क्या अपना खड्डा खोदा है आपने। और पागल चुप कर जा,
दरवाजे को खोलता हूँ। बाप रे, ये क्या लगता है हमें वो डूर की पजल को सॉल्व करना होगा। डूर की पजल को सॉल्व करना होगा। अरे डूर की पजल को नहीं भैया, ये डूर इस लॉकेट लिखा है और आपको भैया ग्रानी का फोटो लेके आना है और उसको पजल को कंप्लीट करना है। इसके बाद में दरवाजा ओपन होगा। मगर ये क्या भैया, उससे पहले ग्रानी आ गई। भागो, भागता हूँ। और टेंशन इतना चिल्ला काय को रहा है, मुझे भी डरा दिया। अरे यार डरना तो होगा ना, क्योंकि ग्रानी आ रही है भैया। आए ग्रानी आ रही तो क्या हुआ, वरना वो हमें वैसे भी पकड़ नहीं सकती, उससे ज्यादा तेज भाग रहा हूँ मैं। आजा बुढ़िया आजा। आए ग्रानी की बच्ची, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आए चलो ऊपर जाता हूँ। आजा बुढ़िया आजा। बाप रे, यहाँ पर छुप लेते हैं दोस्तों। आए इसके अंदर छुप जाता हूँ। आए ग्रानी हमें नहीं देख सकती है। ग्रानी छोड़ दे। बाप रे, तेरी तो ऐसी की तैसी फट्टू ग्रानी। ये कहाँ पर आ गए? अरे बाप रे, ये तो वही मंडी काटने वाला मशीन है दोस्तों। नहीं नहीं छोड़ दो, मैं ठाकुटक। अरे बाप रे, ये ग्रानी कितनी ज्यादा खतरनाक है बुढ़ा, मैंने सोचा ना था। दोस्तों यू आर डेड, ग्रानी इज योर डेड भैया। आय क्या बात कर रहा है, कैसे कैसे डायलॉग बाजी कर रहा है। भाई दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना, इसका पार्ट टू आएगा। पार्ट टू में हम लोग यहाँ से कार स्कैप करेंगे। दोस्तों भैया ने सही बोला, तो दोस्तों कर देना यार, भैया ने चैलेंज किया है ग्रानी को। पार्ट टू में ग्रानी का मजा चखाएंगे। आए चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय। आए बाय बाय दोस्तों। आओ बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।